अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपके साथ चिकन खिचड़ी की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप अपने वेट लॉस में कभी कभी खा भी सकते हैं और इससे आपको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं होगा। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून भर के उड़द दाल है, 1 टी स्पून अरहर मसूर दाल है, 1 टेबल स पून चना दाल है और 2 टेबल स पून भर के मूँग दाल है। और ये गेहूं का दलिया है जो 3 टेबल स्पून है, ये घर का ही बना हुआ है, रोस्ट भी है, आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। इन सबको हम सोक कर देंगे और ओवरनाइट सोक करेंगे, अगर आप शाम को बना रहे हैं तो आप सुबह भी सोक कर सकते हैं। ये हमने चिकन ले लिया है, जिसके लिए 2 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1/2 कप दही है और 1 टेबल स्पून भर के कोरिएंडर पाउडर है, 1 टी स्पून चिली पाउडर है, 1 टी स्पून ही टर्मरिक है और 1/2 टी स्पून पेपर है। जो हमने दाल सोक किया था वो है, इसको हम खुला पानी डाल के और इसमें सॉल्ट डाल के इसको पहले प्रेशर कर लेंगे। और ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको फ्राई करेंगे कुछ गार्निशिंग के लिए, जिसमें मिंट है, कोरिएंडर है, चिली है, जिंजर जूलियन है। इसको सबसे पहले खुला पानी और सॉल्ट डाल के धीमी आंच पे आधे घंटे के लिए चढ़ा देते हैं। मैंने चिकन में सभी मसालों को मिला दिया है, उसमें जो मिंट, कोरिएंडर, जिंजर जूलियन था उसको भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे। आप स्ट्रेट अवे इसको पका भी सकते हैं और टाइम हो तो इसे रख भी सकते हैं। जो दाल और दलिया हमने भिगाया था वो मैंने सीटी लगा लिया है, इसको एक तेज़ सीटी करके 20 से 25 मिनट आप सिम पे रखे रहें। और गोश्त को मैंने मिला के सब मसाले रख दिए थे। अब तो एक प्याज मीडियम साइज़ का जो लिया था हमने, उसको हल्का सा फ्राई करते हैं। पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल दिया है, ये सरसों का तेल है, इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। अब इसमें प्याज को डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। तेल कम है तो फ्राई होने में टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। प्याज हमारा फ्राई हो गया, इसमें हम अपने चिकन को ऐड कर देते हैं और फ्लेम को हाई ही रखेंगे, बस 2 मिनट के लिए इसका कलर चेंज होने तक। अभी फ्लेम को स्लो कर देंगे तो दही चिकन बहुत सारा पानी भी छोड़ देगा, तो इसको बस 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेते हैं। और ये बहुत ही फटाफट बन जाता है, अगर आपने सब मसाले चिकन में मिला के रखे हैं और अपने सब दालों को सोख करके बस उसको चढ़ा दें और दोनों को आपस में मिला दें, तो ये कुछ भी अच्छा खाने का मन हो टेस्टी सा तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, मैं इसमें सॉल्ट भी ऐड करूँगी, ये रॉक सॉल्ट है, और क्योंकि डिनर में हम इसे बना रहे हैं तो हम लोग रात में सेंधा नमक ही खाते हैं। पिंक से इसका कलर वाइट हो गया है, अब इसको ढक देते हैं जब तक ये गल ना जाए। इसको ढक देते हैं, ज़्यादा नहीं गलाना है, बस 50% ही गलाना है। हमारे चिकन को 10 मिनट हो गए हैं और मेरा फ्लेम कंटिन्यूअस हाई पे ही था, बस बीच बीच में एक दो बार इसको चला दिए थे। अब आप इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं। अभी बहुत अच्छे से भून गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल बहुत अच्छे से रिलीज हो गया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के अब इस चिकन को और इसमें जो सालन है इसको हम अपने कुकर में डाल देते हैं। जो हमने दाल कुक किया था, दाल को कुक कर लिया था, अब उसमें अपने चिकन को हम पलट देंगे। इसको मिक्स कर देंगे यहाँ पे और इसी टाइम यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया, पुदीना और जिंजर जूलियन जो था वो डाल देंगे। यहाँ पे आप सॉल्ट और मिर्च, और हरी मिर्च भी थी वो भी डालेंगे। हमने मीडियम फ्लेम पे इसको चढ़ा दिया, सारी चीज़ें डाल के एक प्रेशर आ जाएगा
फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे और नॉर्मल होने देंगे। अभी एक प्रेशर आ गया है, अब इसको नॉर्मल होने देंगे। खिचड़ा बनके तैयार हो गया है, हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है, खासकर आप जब वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप इसे बहुत ही गिल्ट फ्री होकर एंजॉय कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार ज़रूर खा सकते हैं और ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। और आप इस रेसिपी को बनाएं, एंजॉय करें। और ऐसे बहुत सी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।